दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप एक भी चीज़ मिस ना करो। अगर आप मिस करोगे तो ऐसी चीज़ें छूट जाएगी जो आपको देखना जरूरी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो ज़रूर देखें। ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। आज हम आपको ले जाने वाले हैं सागर आइलैंड पर, जिसको गंगा सागर बोलते हैं। हम आए मंदसौर एमपी से, तो आज आपको पूरा घुमाएंगे, कैसे आते हैं यहाँ, कैसे घूमते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या जगह यहाँ देखने लायक है, हम आपको सारी चीज़ें बताएं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में है काग द्वीप के, वेस्ट बंगाल के, क्या नाम आपका? चेतन अचिंत महाराज। अचिंत महाराज जी हैं, आज इनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो महाराज जी, हमको सागर आइलैंड पे जाना है। फिसल बंद होगा कौन समय? स्पेशल स्पेशल का चार्जेस क्या है यहाँ पे स्पेशल जाने का? 21 साल जाएगा तो 15,000 लेगा। 60 लोग हो गए, 60 लोगों मतलब एक का 200 रुपए, 200 रुपए। और गवर्नमेंट की तरफ से अपन टिकट कटवा के जाए 10 रुपया। तो दोस्तों, हम यहाँ से अगर अपन गवर्नमेंट की बोट से अगर जाते हैं तो हमको 10 रुपए टिकट लेना पड़ता है। भैया बाकी अगर स्पेशल अगर हम जाते हैं, भैया आ जाओ, कौन हो? ये हमको थोड़ा डांस करके बता रहे हैं बाबा जी, तो आनंद लीजिए इनका। बोलिए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शेखर भट्टाचार्य। तो यहाँ पे लगभग कितनी पब्लिक आ जाती है हर साल? हर साल अभी दिसंबर महीने में, हाँ, हर साल पर एक दिन पर 3 लाख, 3 लाख, 2-3 लाख तो होता है। तो दोस्तों, हर साल दिसंबर और जनवरी माह का अलग है, जनवरी 20 तारीख तक इतना लोग रहता है, 2-3 लाख। संक्रांति में 20 लाख, 20 लाख रहता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बाबा जी आपसे बिल्कुल मिलेंगे हम, है ना? बाय बाय। हमारे मित्र अचयंत जी है ना, और आपका नाम? शेखर भट्टाचार्य। शेखर, ठीक है, तो बिल्कुल मुलाकात होगी, है ना? हम जा रहे हैं अब सागर आइलैंड पर, सागर द्वीप पर हम जा रहे हैं। जो हमारी बोट है, इसमें लगभग 500 से 600 लोग होंगे। ये पूरा हमारा 80 लोगों का ग्रुप साथ में है। वो सामने ये बिजली के तार जो जा रहे हैं, वो सागर आइलैंड पर जा रहे हैं। वो सामने दिखाई दे रहा है, जिसके चारों तरफ पानी है, और वहाँ पर भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बसों की, सारी अन्य सुविधाएं उपलब्ध। लगभग ये 3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, जो हमको बोर्ड के द्वारा तय करना पड़ता है। यहाँ से अब हमको सागर आइलैंड दिखने लग गया है, वहाँ के हरे भरे वृक्ष, सारी चीज़ें हमको यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और हम वहाँ चलने ही वाले हैं। सारे लोगों के मुख पे मुस्कान दिख रही है हमें। कितना अच्छा दिख रहा है, देखो। ये सागर द्वीप घूम चुके हैं, अब ये जा रहे हैं। अरे, हमारी बोट स्टेशन पे लगेगी। हाय, ये सब हाय करे टाटा। ये Yeah.
ये एक एक करके इस बोर्ड से नीचे उतर रहे हैं। ये सागर द्वीप पे हम घूम रहे हैं। ये बस पूरी हमने हायर करी है, सारे यात्री हमारे ही हैं इसमें। और ये फाइनली आ चुका है समुद्र, गंगा सागर। ये पानी की लहरों में लोग नहा रहे हैं। ये समुद्री बीच है। जो सामने दिखाई दे रहा है वो ही कपिल मुनि का आश्रम है। ये समुद्री मार्केट है यहाँ का, शंख वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, सारी समुद्री चीज़ें। अब हमारी बोट निकलने वाली है यहाँ से, हम ये गंगा सागर छोड़ने वाले हैं। और ये लास्ट बोट है यहाँ की जब निकल रही है। यहाँ पे शाम को 4 बजे तक बोट चलती है, उसके बाद फिर 7 ये बोट में आनंद लेते हुए हमारा पूरा ग्रुप। ये हमारा बोट खाली होने लग गया है, हमारा सारा ग्रुप भी जा रहा है और अब हम लौट रहे हैं होटल की तरफ। अब हम जाएंगे घर की तरफ।